धनबाद जिले में बीसीसीएल के बागमारा के लोग इन दिनों पीने के पानी की घोर किल्लत से जूझ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई जगहों पर पानी सड़कों पर और नालियों में बह रहा। देखिए बागमारा से हमारी ये रिपोर्ट। बागमारा की है, जहां लोग पानी के लिए इसी तरह परेशान रहते हैं, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन बीसीसीएल को दी थी और करार के अनुसार बीसीसीएल को सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। 500 साल से भर रहे हैं, ऐसा ही कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं पीने वाला, अभी तो चल रहा है, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है। नहीं कनेक्शन नहीं है हम लोग किसी को नहीं। अब ऐसी तबीयत खराब है फिर भी पानी भरे पड़ता है, क्या करेंगे, भरना मजबूरी है। अब जरा इस सीन को देखिए, यहाँ यूं ही पानी बर्बाद हो रहा है। इस मामले को कई बार लोगों ने उठाया लेकिन किसी मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें स्पष्ट है कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के हायर अथॉरिटी के अधिकारी पूरी तरह से निष्क्रिय अपनाए हुए हैं, क्षेत्रीय स्तर के प्रबंधन की वार्ता को तवज्जो नहीं देते हुए, यूनियन प्रतिनिधियों की बातों को तवज्जो को नहीं देते हुए, और उन्होंने जो मनमानी ढंग से इस कंपनी को चलाने का प्रयास कर रहा है जिससे वेलफेयर के सारे कार्य रुके हुए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए जरूरत है कंपनी एक ठोस पहल करे ताकि पेयजल की समस्या का निदान हो और लोगों को साफ पानी मुहैया हो। न्यूज 11 भारत के लिए बागमारा से अशोक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।